बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आ गई है। काराकाट सीट पर लोकसभा चुनाव हार चुके उपेंद्र कुशवाहा के नुकसान की भरपाई करने के लिए बीजेपी ने बड़ी पहल की है। इसके लिए पीएम मोदी ने उन्हें खुद तोहफा दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी से राज्यसभा का रास्ता खुल गया है। बताया जा रहा है कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा के विधान परिषद में जाने की चर्चा थी, लेकिन वो टिकट उन्हें नहीं मिला। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पहले से ही उनके लिए कुछ बड़ा सोच रखा था। इस लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। साथ ही एनडीए ने कुशवाहा बोर्ड तक उन्हें ढंग से ट्रांसफर नहीं हो पाए थे काराकाट में। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को भाकपा माले के राजाराम कुशवाहा से हार का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा इस चुनाव में तीसरे नंबर पर आ गए। एन वक्त पर बीजेपी ने दगा कर चुनाव में खड़े होने वाले भोजपुरी पवार स्टार पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे। अगर हार जीत का अंतर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा को विजयी उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा से 1,26,705 वोटों से पीछे रह गए। लेकिन अंत तक कुशवाहा ने एनडीए यानी पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ा। हारने के बाद भी उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद जाएंगे, लेकिन वहां भी उन्हें टिकट नहीं मिला। आखिर में पीएम मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से वफादारी का इनाम दे दिया। बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर कुशवाहा वोटों के लिए दाव लगाया था। उन्हें बीजेपी ने पहले बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और फिर बाद में उप मुख्यमंत्री। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा वोटों को बीजेपी के पाले में पूरी तरह से लाने में नाकाम रहे। वोट बैंक की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के इधर उधर जाने से उनका वोट बैंक थोड़ा बहुत ही छिटका है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि सम्राट ना सही लेकिन कुशवाहा इन वोटों को विधानसभा चुनाव में वापस लाने में कारगर साबित हो सकते हैं। इसलिए अब सम्राट और कुशवाहा की जोड़ी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आगे करने की तैयारी है। अब राज्यसभा का रास्ता साफ होने के बाद देखना ये है कि कई आने वाले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के लिए क्या कमाल करते हैं। क्या एनडीए को इस बार बिहार में दो दशक वाला बहार फिर से वापस लेकर आ पाएगा।